राजधानी जयपुर में पंचायत राज प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से पंचायत राज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान सरपंच संघ के लोगों ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 19 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और कहा कि वर्तमान की सरकार सरपंच के अधिकार छीनने का काम कर रही है और इसीलिए अब उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास जाहिर किया है। इस दौरान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही सरपंच संघ की मांगों को पूरा करेगी। प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर पंचायत राज व्यवस्था को खोखला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से लागू की गई पंचायत राज व्यवस्था को राजीव गांधी ने और अधिक सशक्तिकरण का उसमें कार्य किया था। पंचायती राज संस्था को जो कमजोर करने का पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने कोशिश की है उसका हम निषेध करते हैं। एक तरफ ये पंचायती राज जो कि हमारे समाज के निर्वाचित सबसे नीचे की इकाई है उसको मजबूत करने का स्वप्न जो पंडित जो आदरणीय महात्मा गांधी जी ने देखा था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर माननीय राहुल राजीव गांधी जी से लेकर आज माननीय राहुल गांधी भी विशेष रूप से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के माध्यम से आज पूरे देश में इस पंचायती राज को के सशक्तिकरण के लिए लगे हुए हैं। वहाँ पर यहाँ के सरपंचों को प्रदेश के माननीय मंत्री उन्हें चोर कहते हैं, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है, इसका हम निषेध करते हैं। सरकार ने पिछले 4.5 साल में पंचायती राज की संस्था को लगभग समाप्त कर दिया है। जो आर्थिक ताकतें दी गई थी सरपंच प्रधान प्रमुख को उस सब पर तलवार चलाने का काम किया है। जो प्रशासनिक ताकत थी उसको ख़त्म करने का काम किया है। जो फंड मिलते थे, रोटेटिंग फंड होता था, डेवलपमेंट के काम होते थे, उन सब पे सत्ता का एकीकरण हुआ है और जयपुर और सचिवालय से सारे काम होते हैं। आज सरपंचों के ऊपर उनके द्वेषपूर्ण भावना से जांचें करी जाती हैं, उनको धमकाया जाता है, उनका उनका पॉलिटिकल उनका राजनीतिक उपयोग किया जाता है। आज जो मांगे रखी हैं उसको राज बनने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से गौर कर